अथर भैया कैसे हो? बढ़िया हो। देखिए गाइस, यहाँ पर आवाज कैसी गूंज रही है, नीचे आवाज दब जाती है। आवाज गूंजने का कारण क्या है कि यहाँ ऊपर खोखला बने और नीचे पूरा प्लेन था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं जागृति पार्क में घूमने के लिए। देखिए, आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं जागृति पार्क का। ये देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से नज़ारा है जागृति पार्क का, बहुत ही प्यारा है भाई। ये देखिए, अभी हम लोग ये सेल्फी पॉइंट में खड़े होकर हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं अपनी। ये देखिए भाई, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का। अब यहाँ पर गाइस गाने आने बजते रहते हैं, तो इस कारण से वीडियो में मज़ा नहीं आता ज़्यादा बनाने में। तो चले गाइस, अभी आपको जागृति पार्क का नज़ारा दिखाते हैं चल करके। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया हो? यूट्यूब देखा करो, हमारा यूट्यूब में चैनल है हमारा। किस नाम से? मोबाइल रखे हो? अभी तो नहीं है। किस नाम से? ब्लॉग विथ आनंद के नाम से, ब्लॉग विथ आनंद सर्च करोगे मेरी फोटो आ जाएगी, उसमें आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई? गाइज, यहाँ पर बच्चे यहाँ मस्त स्केटिंग कर रहे हैं। ये सर है, स्केटिंग सिखाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे मस्त स्केटिंग कर रहे हैं भाई यहाँ पर। हिरण दिख गया हम लोग को। ये देखिए भाई, ये हिरण नकली वाला, नकली वाला, ये देखिए। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं साइंस, क्या कहलाता सर ये? कटनी साइंस पार्क। यहाँ पर ये साइंस की बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉडल लगे हुए हैं। तो सर हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे। चलिए गाइस, अभी आपको हम दिखाते हैं। अभी क्या चीज़ है सर ये? ये कहलाता है डबल एंडेड कोन का मॉडल, दो मुखी शंकु जिसे कहते हैं। इसको कहते हैं डबल एंडेड कोन, दो मुखी संकूप। देखिए किस प्रकार से कार्य करता है, आपको दिखाते हैं। है जो कोन है ना, जी दो मुखी संकूप है, और ये सेंटर पॉइंट के पास हमने इसको रेस्ट पोजीशन पर रखा है। अब शंकु जहाँ पर रेस्ट पोजीशन पर है, इसके दोनों तरफ बना स्लोपिंग पॉइंट, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ बना हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम स्लोपिंग पॉइंट पर मूव करते हैं तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जब स्लोपिंग से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इसमें स्पीड बढ़ रही है ऊपर की तरफ आ रहा है, इसमें नीचे की तरफ जाकर जा नहीं पा रहा, हिट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए इसको। और ये कर रहा है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, देखते हैं, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको, अब ये सेंटर पॉइंट के पास तो आ रहा ही है, ठीक है ना। अब हम इसको नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेगा, इसका एक नरो पॉइंट वो बना हुआ, सेकंड नरो पॉइंट वो बना हुआ है, ठीक है ना। चलो मैं इसको छोड़ता हूँ मैं, ठीक है ना। ये भाग क्यों रहा है, कोई
नहीं जानी नहीं चाहिए उसको, घरों पर ये बना हुआ ऊपर हाइट बनी हुई है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है और वो फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको खींच रहा है वो, ठीक है ना। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, ऑब्जेक्ट को पुल करता है केंद्र के पास लाने के लिए। तो ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो रेस्ट पोजिशन पर नहीं आ जाता मिड पॉइंट पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द इट्स एक्सिस ऑफ द कोन, दैट्स व्हाई कोन इज मीन फर्स्ट मेगा पॉइंट टू सेकंड मेगा पॉइंट, ठीक है ना। तो फ्रेम ये बना हुआ है और कोन ये है, इस फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कोन तो कार्य कर रहा है क्योंकि इसने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर लिया है। इसकी इसके शेप का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो सिलेंडर होता या कोई सर्कुलर पाथ का फुटबॉल होता, तब क्या होता, हमने प्लेयर को देखा है ना वो फिंगर में फुटबॉल को रोटेट करता था, वो रोटेट करती रहती, गिरती नहीं है, फॉल्डर नहीं होती। एक्चुअल में हर एक ऑब्जेक्ट की शेप के वजह से उसका जो सेंटर होता है ना ग्रेविटी वो अलग होती है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, फुटबॉल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर स्टे करेगा और उस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर निर्भर कर रही है। ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हुआ तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके आधार पर कार्य करेगी। ये कहलाता है सर्कस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का खेल। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगी तो वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ कार्य नहीं कर सकते, किसी गेट को उठा भी नहीं पाएंगे। तो जहाँ जहाँ से इसको एनर्जी मिलेगी या होगी, सेकंड थिंग जहाँ जहाँ से इसको फोर्स प्रोवाइड होगा ये रन करेगी, ठीक है ना। चलो अभी जो है इसके पास क्षितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस इसमें एक रख दी है बॉल, अभी अभी देखिए इसमें अभी चला रहे हैं, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए ऊर्जा और अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। वो बॉल गई, वो बॉल गई, वो गई बॉल, वो गई बॉल, वो दिस स्पीड कम होते जा रही है। ये जो गिर गया पानी, जब पानी के कारण ये नहीं, नहीं पानी से कोई मतलब नहीं है। हाँ यहाँ पे अब केंद्रीय बल कार्य करेगा। अब केंद्रीय बल कार्य किया, गेंद से बाहर की ओर फेंका और वस्तु को ग्रेविटी उसको पुल कर रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ आके स्टॉप हो जाएगी। तो देखिए गाइस एक चीज, कुछ नई चीज़ है, क्या चीज़ है सर ये, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, इसको कोणीय संवेग कहते हैं। पूरा का पूरा भार कहाँ पर आ गया, केंद्र के पास। अब क्या हुआ, अब केंद्र से दूर चला गया, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही करना है, खींचना है और ढकेलना, पुल और पुश करना, ठीक है ना। तो देखें, चलो पास में ले और लिया, पास में आया तो समझ में, पास में लाने पर स्पीड बढ़ रही है। अच्छा तो पास में लाने पर स्पीड बढ़ जाती है, देखिए। हाँ हाँ, दूर ले जाने पर कम हो गई, कम हो जाती है, बढ़ गई। यदि इसको ऐसे पास में रखे ही रहते हैं तो ये चलता ही रहेगा। रखे रहो उसको पास में, अपने आप चलता रहेगा। और यदि दूर कर देंगे तो हो सकता रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। अब केंद्र से द्रव्यमान दूर चला गया, लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसके पीछे एक फार्मूला है वो काम कर रहा है, जिसे कहते हैं जात अगुण गुणित एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि क्या कहते हैं, घूर्ण गति।
ये कोणी संवेग का फार्मूला होता है, उस फार्मूला के आधार पर ये कार्य कर रहा है। मैं भी बढ़ जाऊँ। इसको पकड़ रखना और हल्का सा इसको टर्न करना, जैसे हम साइकिल का हैंडल मोड़ते हैं ना, वैसे इसको मोड़ना, ऐसे मोड़ना, ठीक है ना। ये कहलाता है जायरोस्कोप। कभी जो साइकिल भी लेना, ये जो वायुयान में हेलीकॉप्टर में जो विंग्स लगे होते हैं ना, पंख है, रोटेट करते हैं, जब तक वो रोटेट करेंगे ना, ऐसे घूमते हैं ना, जब तक ये इसको जब ये रोटेट करेगा ना, वैन ये रोटेट द विंग्स देन ही चेंज द स्टीयरिंग ऑन द 45 डिग्री। इसको टर्न करना 45 डिग्री, देखते हैं ये क्या करता है। ओके, टर्न कर दो और टर्न करो। अब इसका टर्न कर लो। अच्छा, इसको जिस तरफ टर्न कर रहे हैं हम लोग, तो उस तरफ हम लोग भी घूम रहे हैं। बहुत तेजी से आएगा अब, टर्न करना बहुत तेजी से आ रहा है। जब मोड़ते तो बहुत तेजी से मुड़ती है ना। हाँ हाँ हाँ। तो जब तक ये घूमेगा अपनी धुरी से, अपनी एक्सरसाइज अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। अगर ये रेस्ट पे आ जाएगा तो वो भी रेस्ट पे आ जाएगा। सेंटर पे कर देंगे तो रेस्ट हो जाएगा ना। सेंटर पे करेंगे ये रुक भी जाएगा तो भी रेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा। जायरस को तो गवर्निंग बैठते ना, बैठू बैठे क्यों नहीं। जो मुख्य यूज किया था ना, जलयान और वायुयान पर चलने के लिए किया जाता है। जब तक वो रोटेट करेंगे तब तक अपनी दिशा को परिवर्तित करेगा ये। अगर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा ये। और उसके चौथे कोणीय संवेग कार्य कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम। सबसे ज़्यादा तेज उस पर थी, सबसे कम स्पीड थी। सबसे कम स्पीड इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे इस सरफेस के कारण जिस पर फ्रिक्शन है, घर्षण होना ज़्यादा है, और घर्षण बल ज़्यादा होने के कारण स्पीड की गति में अवरोध पैदा करता है, और इसमें घर्षण बल कम है इसकी अपेक्षा। तो घर्षण बल कम होने के कारण उसकी स्पीड ज़्यादा है। सबसे कम घर्षण बल उस पर है, तो उस पर जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा है। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट लिफ्ट मूव एंड स्टॉप एनी ऑब्जेक्ट। मतलब ये तीन प्रकार की ये रोड है, समझ लीजिए, है ना। तीनों में घर्षण अलग अलग है, तीनों में घर्षण अलग अलग है। जैसे एक ये सीमेंटेड जो कुछ खुरदरी रोड है, ये मतलब ज्यादा उबड़ खाबड़ है, और ये चिकनी सड़क है। आपकी सड़क में ज्यादा स्पीड रहेगी कि रेत में रहेगी? सबसे ज्यादा स्पीड और रेत में कम रहेगी। हाँ, क्योंकि हमारे पैर उसमें दबेंगे दबेंगे जम नहीं पाएंगे उसमें, ठीक है ना। ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये क्या चीज है सर? फिर भी लोग बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, चल चल के झूला झूलते हैं, ऐसे ज्यादा करते हैं। इसमें देखिए ये एक एरो लगा हुआ है बीच में, तीर लगा है ये, पेंडुलम बोलते हैं इसको। तीर जो है ना, यहाँ पर सस्पेंडेड है मिड पॉइंट पे, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, कर रहा है रिपीट, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है ये, इसका जो सामना बिंदु है, मतलब कि जहाँ से ये मूव कर रहा है उसका मिड पॉइंट है, वहीं से ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वहीं से वो राइट की तरफ भी जा रहा है। वो लेफ्ट में पहले मिड पॉइंट पर आएगा, मिड पॉइंट से फिर वो राइट में जाएगा, ठीक है। जंप नहीं कर पाएगा ये, ठीक है ना। ये पेंडुलम में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो ये इसका ऐसा सेम है, सिंपल हारमोनिक मोशन। एंड देन मैं वेन यू आर मूविंग द स्विंग ऑल्सो भी मूव कर रहा है सेंटर पॉइंट से। हाँ हाँ। और एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, स्टार और सीधा सर्कल बन रहा है, स्टार टाइप का एक पैटर्न बन रहा है, ये त्रिकोण टाइप का एक पैटर्न बन रहा है इसमें। क्या चीज बोलते हैं सर इसको? इसको बोलते हैं हाउ फ्रिक्शन हेल्प, घर्षण हमारी सहायता कैसे करता है। हाउ फ्रिक्शन हेल्प, देखो वास्तव में ये सभी ठोस समान वजन के हैं। वास्तव में ये सभी ठोस समान वजन के हैं। हाँ, तो इसको हम ऐसे उठाते हैं और ऊपर ले जाओ और धीरे से रखो, और बताओ किसमें हमको ज़्यादा ताकत लग रही है, इसमें कम। फाइनल करके देखो,
इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा ताकत लग रही इसमें ना। हाँ, और देखो ये कोने का शेप के हैं। उल्टी नहीं जाने वाला, सब मतलब एक ही वजन के हैं। अच्छा, लास्ट वाला सबसे ज्यादा भारी होगा। सबसे कम बहुत भारी है यार ये तो। ऐसा इसलिए है कि मुझे सिलेंडर का शेप का ऑब्जेक्ट है ना, उस पर स्पेस का सरफेस पे स्मूथनेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर घर्षण बहुत कम है। और घर्षण कम हो जाने की वजह से हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है इसको पकड़ने के लिए, प्लस उठाने के लिए। इसमें ग्रिप बना हुआ सरफेस में, इसमें घर्षण बहुत ज़्यादा है, इसमें भी घर्षण बहुत ज़्यादा, शेप बना हुआ है, ठीक है ना। इसकी ग्रिप पेपर की बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, होल्ड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ताकत लगेगी हमको, इसमें बहुत कम ताकत लगेगी क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, प्लस ग्रिप भी बने हुए हैं। जैसे मैंने बताया था ना, अब ये क्या चीज़ सर, इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स का थैरलो, तीसरा नियम। तो भाई ये न्यूटन्स का तीसरा नियम है, ये साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं। ये जिस तरीके से घुमा रहा है उसके विपरीत ही घूम रहा है, घूम रहा है, है ना। अब ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ, लेफ्ट में घुमा, राइट में जा रहा है, राइट घुमा तो लेफ्ट में जा रहा है। हाँ, ये न्यूटन का फॉर्मूला है, एवरी एक्शन है जो कल ना पूरी रिएक्शन, ठीक है ना। क्रिया के विपरीत ही प्रतिक्रिया होती है, मतलब क्रिया की विपरीत क्रिया जो होती है उसको न्यूटन्स का तीसरा नियम कहते हैं। क्रिया के विपरीत की प्रतिक्रिया होती है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। एक्शन का रिएक्शन हमको प्राप्त हो रहा है। ओके, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको कहते हैं लूप द लूप, लूप द लूप, मतलब लूपिंग करता हुआ बॉल ट्रैवल करता है। हाँ, और सीधे जाके बॉटम पर पहुँच जाता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दैट पोटेंशियल ही चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। गाइस इसको कहते हैं लूप द लूप। अब इसमें देखिए बॉल डालेंगे तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो सर यहाँ से बॉल डाल रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, ये जैसे बीच में ये खुला हुआ है तो ये गिरती नहीं बॉल, क्यों नहीं? अगर यहाँ से डालेंगे वो अपनी वास्तविक पोजीशन पे नहीं होगी, बॉल गिर जाएगी। अच्छा, मतलब इसकी जो ऊंचाई है, जितनी दूरी है, वहीं पे बॉल रखना, वहीं पर रखना पड़ेगा, वहीं से होगा। बॉल को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलेगी, उसको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी पर्याप्त से नहीं मिलेगी, इनफ नहीं रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी में चीज़ें नहीं होगी। और जब ऑब्जेक्ट इस पर ट्रेवल करता है तो इस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है, ठीक है ना। बॉल की जो स्पीड थी ना, इस पर लार्ज पाथ होने के कारण बहुत कम स्पीड थी, और कम पाथ होने के कारण ज़्यादा स्पीड थी, और बहुत छोटे पाथ होने के कारण बहुत ज़्यादा स्पीड थी उस पर, है ना। तो तीनों पर हमको वेरियंस देखने को मिला था। ये तीनों का सेम वेट है क्या? 20 किलो के हैं। अच्छा, मतलब बस इसमें एक उठ गया ये। इसमें ये है कि कितनी पास से और कितनी दूर से उठा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा हमको ताकत लग रही है ना, इस पर ज़्यादा लग रही है, इस पर लग रही होगी फर्स्ट टेम्पर पर। हाँ, उसमें कम लग रही था। हाँ, क्योंकि जो एफर्ट है ना, वो लोड के बहुत पास में है, और ये सेंटर पॉइंट पर है, और ये सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर में है। इसको कहते हैं थायरॉइड लीवर, फिशिंग रॉड, इसी पर डिपेंड है, ठीक है ना। और क्या क्या वो हमको कलरफुल दिखाई देते हैं, इसे कहते हैं रेनबो, क्योंकि पानी रहता है, पानी वाइट रहता है, तो इसके अगर हमको रेनबो दिखाई देता है जब उस पर उसकी लाइट पड़ती है तो, ठीक है ना। ये न्यूटन्स कलर डिस्क, इसके बारे में बताया है, ये बताया है कौन के बना हुआ है, ठीक है ना।
और ऑल से फोकल पॉइंट पे लगा हुआ है माइक, सो व्हेन यू विल स्पीक ऑन द माइक देन यू साउंड वेरी इफेक्टिव ओवर देयर एंड देन यू विल स्पीक ऑन दैट माइक यू साउंड वेरी इफेक्टिव ओवर हियर। मतलब यहाँ की आवाज़ वहाँ बहुत तेज जाएगी, इसका इफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद इसका जो प्रभाव होगा ना इफेक्ट होगा हमको दिखाई देगा। बोलना कैसे ऐसे बोलना है, साइंस पार्क सुनना कैसे है ऐसे सुनना, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कुछ बोलेगा और वो अंक वो सर को वहाँ पर सुनाई देगा। मैं भी इस तरह बाजू अरे वाह यार बहुत तेज सुनाई दिया। हाँ इसमें इसी में लगाए लगा बेटू कान आ रही है पकड़ दे रहा मैं भी लगा दूंगा। है ना आई 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 और मैं यदि बोलूंगा यहां से तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर बोलूंगा और वो अथर्व भैया को वहाँ सुनाई देगा। देखिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ हेलो क्या बोला हूँ फिर से लगाओ क्या कर रहे हो क्या बोला हूँ अब तुम बोलो हेलो बोलो फिर से भैया क्या कर रहे हो तेज आ रही थी तो गाइस यहाँ पर दो झूले लगे हुए हैं, एक झूले वो पकड़ के झुलाते हैं तो इसकी स्पीड पहले तेज रहती फिर कम हो जाती और इसकी स्पीड नॉर्मल थी तो इसकी तेज हो जाती है। अब उसकी तेज हो रही है, देखिए रेस्ट पोजीशन पे था ना, हाँ तेज होती जा रही है, यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस कारण बस हमारी स्पीड कम और ज़्यादा हो रही है। ये मेरा तेज होता जा रहा है, अपने आप तेज हो रहा है, अपने आप तेज हो रहा है, तो अपने आप अथर्व भैया धीमा हो गया। देखो गाइस अभी थोड़ी देर बाद मेरा ये धीमा हो जाएगा, अथर्व का तेज हो जाएगा। ये देखो भाई मेरा ये धीमा हो गया, अब अथर्व का तेज हो गया। ऐसा क्यों? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अच्छा मतलब ये जो ऊपर जो लगी है ना पट्टी फ्रेम लगा हुआ है ये पूरा एक फ्रेम है, है ना, इसलिए ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आए थे साइंस टेक्नो पार्क, धीमे चलो थोड़ा बेटू। तो यहाँ पर हम लोग ने साइंस के बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी जानकारी हमने ली, वहाँ पर एक सर थे तो वो सब जानकारी हम लोग को दिए। अब थोड़ा सा हम लोग पार्क में यहाँ पर घूमेंगे उसके बाद घर जाएंगे, यहाँ से नहीं आगे चलते। तो चलेगा आज अभी हम लोग पार्क में घूमने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ तो जब भी आते हैं तो यहाँ पर म्यूजिक चलता रहता है, आज नहीं अभी म्यूजिक चालू नहीं हुआ है, अभी म्यूजिक 5 बजे चालू हुआ, अभी 4:30 बजा हुआ है। तो चलेगा आज अभी थोड़ा सा पार्क घूम लेते हैं, अब यहाँ चलते हैं। नहीं तो गाइस अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यहाँ देखिए यहाँ आवाज़ दब जाती है, आवाज़ गूंजती नहीं है, अब इसके ऊपर जाएंगे तो आवाज़ गूंजेगी हमारी। चले गाइस ऊपर चलते हैं, चलो आओ बाबू। तो हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ,
तो अथर भैया कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हो? देखिए गाइस यहाँ पर आवाज कैसी गूंज रही है, नीचे आवाज दब जाती है। आवाज गूंजने का कारण क्या है कि यहाँ ऊपर खोखला बने और नीचे पूरा प्लेन था, इस वजह से आवाज नीचे दब रही थी और यहाँ पर गूंज रही है। यहाँ पर बनी हुई है डाइनिंग टेबल, देखिए मस्त पत्थरों की सीमेंट की ये डाइनिंग टेबल बनी। तबला है, नंबर का तबला। तबला नहीं है भाई। तो गाइस अभी थोड़ा सा हम लोग झूला वूला झूल रहे हैं, थक गए यहाँ पर, काफी देर से चल रहे हैं, तो झूला वूला झूल लेते हैं गाइस, उसके बाद चल। फाइनली गाइस अभी हम लोग पार्क घूम लिए हैं, जागृति पार्क, और हम लोग चल रहे हैं। सो गाइस मैं भी खा रहा हूँ खाना, रोटी, बरबटी की सब्जी, पापड़ और चिप्स। चलिए गाइस खाना खा लेता हूँ अभी, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, अच्छे से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।